हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जेब और जेब मोबाइल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम आई एफ फोर की। एफ फोर में लाइट प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। लाइट सेक्शन के बारे में, डायोड कोयल, और ये है हमारा फ़ोन एम आई का, आप देख सकते हो। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद, खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये एम आई का फ़ोन आप देख सकते हो। इसमें ये जो निकला हुआ है वो बैटरी का बेल्ट है, उसे मैंने निकाल लिया है। और ये इसके पास में डिस्प्ले का बेल्ट है, और 6 लेग वाली लाइट आईसी है, कोयल है एंड एक डायोड है। ये आपको जो मार्क में दिख रहा है वो है इसका लाइट सेक्शन है। 6 लेग वाली आईसी, कोयल और डायोड, ये सभी उसका लाइट सेक्शन है। ये है डिस्प्ले बेल्ट, कोयल, लाइट आईसी, डायोड, ये है इसका सेक्शन। अब मेरे मुकाबले में मेरे जो फ़ोन था उसमें कोयल का प्रॉब्लम था, जो कि मैंने J2 के एक बोर्ड से निकाल के इसे लगा लिया। ये आपको ये इस तरह की आईसी किसी दूसरे फ़ोन से मिल जाएगी। अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप दूसरे फ़ोन से काट कर लगा सकते हो। ज़्यादातर इसमें ये डायोड और ये जो कॉयल है उपले वही ख़राब होते हैं, तो वो आपको क्या है कि चेंज करना आसान है। किसी भी फ़ोन से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आपको कंटिन्यूटी देखनी है। ऊपर डायोड से लेकर इस बेल्ट के पास एक कैपेसिटर दिखेगा, आपको कैपेसिटर के पास देखना है वोल्ट आता है या कंटिन्यूटी आती है। ये है मेरे पास J2 का बोर्ड, और आप देख सकते हो J2 के बोर्ड के पास एक लाइट आईसी है, लाइट सेक्शन है। उसके पास से मैंने कोयल निकाल लिया है, देख सकते हो छोटी सी लाइट आईसी के पास एक कोयल। ये कोयल मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है वो कोयल है इसका MIA4 का, ये कोयल है, मैंने निकाल दिया। और उसकी जगह पर ये देख सकते हो आप, मैंने J2 वाला जो आता है, J2 का जो कोयल आता है उसे लगा दिया, जिससे ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप इस कोयल की जगह कोई भी दूसरे मोबाइल का, एंड्रॉयड मोबाइल का कोयल लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। और ये डायोड किसी किसी फ़ोन में होते हैं, आप वहाँ से डायोड को भी चेंज कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा।